सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। फाइनल दोस्तों, वीवो ने अपने Z1 Pro में एंड्रॉइड 10 और कलर OS 6.10.7 का अपडेट देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले वीवो ने जो अपडेट दिया था, लेकिन उस अपडेट में काफ़ी बक्सा रहे थे, तो उन्होंने ये अपना अपडेट वापस ले लिया। लेकिन दोस्तों, अभी फिर से उन्होंने ये अपडेट देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस अपडेट की साइज़ की बात करें तो ये हमें 3 GB से ऊपर का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, बात यह आती है कि इसे डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि दोस्तों मोस्टली लोग होते हैं उनके फ़ोन में 2 GB पर डे रिचार्ज होता है, लेकिन इस अपडेट का जो साइज़ है दोस्तों वो 3 GB से ऊपर का है, तो उसे अपडेट कैसे करें। दोस्तों, जिनके पास वाईफाई का कनेक्शन है वो तो उसे ईजी डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है नेट की। लेकिन जिन लोगों के पास सिर्फ डाटा है, जो अपने फ़ोन से अपने नेट चलाते हैं, तो वो लोग इसे कैसे डाउनलोड कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि इसे डाउनलोड कैसे करें और इस अपडेट में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ। तो उसे वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए उसे वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इस अपडेट के बारे में बताऊँ। दोस्तों, अपडेट होने के बाद इसके फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर हमें दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर देखने मिलते हैं। इसमें दोस्तों एक नया फीचर ऐड हो चुका है, वो जो है दोस्तों डायनेमिक इफेक्ट। अगर आप अपने फोन को चार्ज पर लगाते हो तो चार्जिंग होते टाइम दोस्तों आपको एक एनिमेशन दिखेगा, जिसे आप चेंज कर सकते हो। इसमें कई तरह के एनिमेशन दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने फोन को चार्ज पर लगाते टाइम चेंज कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में फेस लॉक लगा हुआ है, तब भी आपके फ़ोन में एक एनिमेशन आएगा, जो कि दोस्तों देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप उसे भी चेंज कर सकते हो, जो दोस्तों एक नया फीचर आपके फ़ोन में ऐड हुआ है। दोस्तों, इस अपडेट के बाद दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन बार होता है उसमें दोस्तों काफ़ी चेंजेज हुए हैं, और इसके दोस्तों जो अल्फाबेट होते हैं वो भी दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे हो चुके हैं, जिससे दोस्तों आपका फ़ोन देखने में काफ़ी कूल लगेगा। दोस्तों, इस अपडेट के बाद हमारे वीवो Z1 Pro में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने कोई नया फ़ोन लिया हुआ है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फ़ोन को अपडेट कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको किसी और का फ़ोन लेना है जिसके फ़ोन में 2 GB डाटा हो, आपको अपने फैमिली मेम्बर से ही किसी का फ़ोन लेना है। अब दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन डाटा ऑन करना है, जिस सिम में डाटा डाला हुआ है आपको वो ऑन करके रखना है। अब दोस्तों, दूसरा फ़ोन जो आपने लिया है उसका हॉटस्पॉट ओपन करके आपको अपने फ़ोन को उससे कनेक्ट करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको वाईफाई वाले उस फ़ोन से कनेक्ट करके अपने फ़ोन को अपडेट करना है। जैसे दोस्तों उस फ़ोन का डाटा ख़त्म होता है तो आपको अपने फ़ोन को वाईफाई बंद कर देना है। तो दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपका जो नेट है, आपका जो अपडेट होने वाला सिस्टम है, वो दोस्तों आपके नेट से कनेक्ट हो जाएगा और अपडेट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोस्तों आप अपने फ़ोन से पहले डाटा से करोगे, बाद में वाईफाई से करोगे, तो दोस्तों आपका जो अपडेट है वो डिसकनेक्ट हो सकता है। दोस्तों, ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आप किसी फ़ोन से कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आपको अपना डाटा यूज़ करना है। और दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस आप रात में करना, क्योंकि दिन में दोस्तों काफ़ी नेट स्लो होता है, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने फ़ोन को दिन में यूज़ करते हैं, लेकिन रात में दोस्तों ज़्यादा लोग अपने फ़ोन को यूज़ नहीं करते, तो आप अपने फ़ोन को रात में अपडेट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसमें आप अपने फ़ोन को काफ़ी ईजीली तरीके से अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, इसके लिए आपके फ़ोन की वारंटी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका फ़ोन वारंटी पीरियड में है तो आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोन और उसका बिल लेकर सर्विस सेंटर जाना है। वहाँ आकर दोस्तों आपको बोलना है कि आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा है। दोस्तों, इस तरीके से वो आपके फ़ोन को चेक करेंगे और आपको सॉफ्टवेयर है उसे अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों, वीवो सर्विस सेंटर होते हैं, वो आपको वही अपडेट देंगे जो दोस्तों वीवो ने अपने Z1 Pro लॉन्च किए हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने Z1 Pro में फ्री में अपना फ़ोन अपडेट कर सकते हो सर्विस सेंटर जाकर, अगर आपका फ़ोन वारंटी पीरियड में है तो। और अगर आपका फ़ोन आउट ऑफ वारंटी है तो आप दोस्तों किसी और के फोन से कनेक्ट करके और अपना डाटा यूज़ करके उसे अपडेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे तो वो लोग आपसे 200 से 250 रुपये की फीस ले लेंगे आपके फ़ोन को अपडेट करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि वीवो को Z1 Pro में जो हमें अपडेट मिल रहा है वो कितने GB का है और आप इसे कैसे अपडेट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप अपना फ़ोन अपडेट कर लो तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको इस अपडेट के बाद कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।